प्लस 11 में अपने को रूट मिल जाएगा 12 GB 256 GB और 16 GB 256 GB 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ। कैमरा एज यूजुअल आपको पता है, मैं वन प्लस का S2 Pro, इसमें भी 8 Gen 2 प्रोसेसर लगा हुआ है। आप इसका लुक चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 100% टेस्टेड है, चेक किया हुआ पीस होता है हमारे पास। इसका कैमरा आ गया, ये कैमरा की क्लास आ गई, S3 12 GB 256 GB अप्रूव हुआ है, 5500 mAh बैटरी है इसकी। रियलमी का 12 Pro Plus 2024 का मॉडल है, 7S Gen 2 इसमें प्रोसेसर, ये इसका डिस्प्ले का क्लास आ गया, 120x जूम है सर। हम और बोले इसका कैमरा है, ये गेम के कितना जूम हो गया ये, ठीक है। अभी देखो कितना जूम करा था हमने, ये कहाँ चले गया। विद चार्जर आ गया इसका ओरिजिनल, वन प्लस का 11R आ गया, 18 GB 512 GB 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ, 12 GB 256 GB ग्लोबल डुअल है। 10 Pro मिल जाएगा वन प्लस का, ग्लोबल डुअल 12 GB 256 GB। वन प्लस 9 Pro मोस्ट डिमांडेड मॉडल, 888 Snapdragon प्रोसेसर, 10x10 इसकी कंडीशन है। प्लस का 9R मिल जाएगा, 9 की तरफ आ जाते हैं, बिल्कुल पन्नी पे एक माल है। मोटोरोला का G60 108 MP कैमरा है, 6000 mAh इसकी बैटरी है, विद डुअल सिम। ये वन प्लस 8 पड़ा हुआ, मेरे पास 80 मिल जाएगा, ग्लोबल डुअल नॉट CE 5G 12 GB 256 GB, वन प्लस का 8 GB 128 GB ग्लोबल, वन प्लस का 70 आ गया, 7 आ गया ग्लोबल डुअल एंड 25G। मैंने अपडेट नहीं किया, माल है डबल सिम में एंड्रेड बड़े में। प्लस का 8 Pro आ गया, 10x10 कंडीशन है। प्लस का 3 GB बड़े, बिल्कुल 6 GB 64 GB डुअल सिम 14000, गूगल पिक्सल 4a 5G, सिंगल प्लस फिजिकल सिम, ऑफिशियल PTT। मोटोरोला का H20 लाइट आ गया, G42 की तरफ आ गए अपन। AMOLED डिस्प्ले, 680 का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, मोटोरोला का G5G 2023। अब तो फीचर। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई। वालेकुम अस्सलाम इमरान भाई, खैरियत से हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद भाई इस बार क्या वैरायटी लाए हैं आप? इस बार सर वैरायटी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल वन प्लस के सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। प्राइस का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपको आता रहता है, कुछ टैबलेट भी लाए हैं और कुछ और वैरायटी लाए हैं। तो स्टार्ट लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बड़े मॉडल से स्टार्ट लेते हैं। वन प्लस 11 है मेरे पास, वन प्लस 11 में अपने पास CPID अप्रूव मिल जाएगा, 12 GB 256 GB और 16 GB 256 GB, 12 GB 256 GB CPID अप्रूव, 8 Gen 2 प्रोसेसर के साथ, आप AMOLED डिस्प्ले के साथ है, आप चेक कर सकते हैं। चार्जिंग मेरे पास जो है वो बिल्कुल 1% है, वो मैंने देखी नहीं। कैमरा एज यूजुअल आपको पता है, मैं 100% रिकमेंडेशन करता हूँ ये फ़ोन जो है ब्लॉगर यूट्यूबर्स के हिसाब से, कि हैज़र लाइट लगे हुए इनमें, कैमरा वगैरह के हिसाब से, डिस्प्ले के हिसाब से, गेमिंग के हिसाब से। फिर CPID अप्रूव दे तो मिनिमम रेंज के अंदर हमें मिल जाएगा 11 12 GB 256 GB हम व्यूअर्स को दे देंगे 1,40,000 का, और 16 GB 256 GB हम व्यूअर्स को देंगे 1,45,000 का। 100% ओरिजिनल होगा, 10x10 कंडीशन होगी, खुला हुआ नहीं होगा, बना हुआ नहीं होगा, ठीक है जी। इसी में अपने पास एक पीस पड़ा हुआ है वन प्लस का S2 Pro, इसमें भी 8 Gen 2 प्रोसेसर लगा हुआ है। आप इसका लुक चेक कर सकते हैं, कलर चेक कर सकते हैं, इसका आप डिस्प्ले चेक कर सकते हैं, बिल्कुल 100% टेस्टेड है, चेक किया हुआ पीस होता है हमारे पास। इसका कैमरा आ गया, ये कैमरा की क्लास आ गई, 100% ओरिजिनल है, 10x10 ऑलमोस्ट कंडीशन है इसकी, CPID अप्रूव्ड है, 16 GB 512 GB विद 8 Gen 2 प्रोसेसर में 1,40,000 का मिल जाएगा ओनली। इसके अलावा वन प्लस S3 आ गया, वन प्लस S3 CPID अप्रूव, जिसको आप 12R भी कह सकते हैं। S3 में ये दो कलर्स मिल जाएंगे, 12 GB 256 GB CPID अप्रूव हुआ हुआ है, ठीक है, फ्रेश पीस है, 10x10 कंडीशन है। अच्छा, इसमें बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा है, बिल्कुल XCID इसके बैटरी जो है वो 5500 mAh बैटरी है इसकी, आपको मतलब बैटरी इनसफिशिएंट प्रोसेसर भी लगा, जनरेशन 2 भी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही 8 Gen 2 तकरीबन। अब तो नॉलेज बताइए सबको मॉडल की, प्राइस पर ज़्यादा डिपेंड है और कंडीशन पर ज़्यादा डिपेंड है। तो कंडीशन जो है वो 10x10 है और CPID अप्रूव मिल जाएगा, S3 = 12R भी कह सकते हैं, 1,45,000 में हम दे देंगे व्यूअर्स को। और कहें सर जी, वन प्लस का 11R आ गया, 18 GB 512 GB 8 Gen 1 प्रोसेसर के साथ, ये हम व्यूअर्स को दे देंगे अपने 1,30,000 का। ओके, सब पर प्राइस कम कर रहा हूँ क्योंकि एक एक दो दो पीस बचे हैं, क्लियरेंस सेल हो गई, बिल्कुल एग्जैक्टली एक एक दो दो पीस का मतलब ये नहीं कि पीस जो है वो ख़राब बचे हैं, पीस 10x10 कंडीशन पड़े हैं, ओरिजिनल जो हम लोग वैरायटी बेचते हैं हमारे पास वही अवेलेबल है, उसी के एक एक दो दो पीस बचे हैं। ये अपने पास मिल जाएगा 10R 12 GB 256 GB ग्लोबल डुअल है, बट ये नॉन PTA है, ये 10x10 कंडीशन है, गेमिंग वगैरह के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। 12 GB 256 GB नॉन PTA 65,000 में दे दूंगा, ठीक है। 10 Pro की तरफ आ जाते हैं, 10 Pro मिल जाएगा वन प्लस का ग्लोबल डुअल 12 GB 256 GB नॉन PTA, नॉन एक्टिव, 2 महीने सिम चलेगी। अगर आप सिंगल सिम 2 महीने चलाते हैं तो फिर आपको 2 महीने सिंगल और सिम 2 चलेगी, 2 महीने 4 महीने तक इसमें सिम चला सकते हैं। 55,000 इसकी ड्यूटी है,
और इसके अलावा अगर आपके पास ट्रैवलिंग पासपोर्ट है तो आप 45,000 में इसको ऑफिशियल अप्रूव कर सकते हैं। ओके okay. तो ये व्यूअर्स को हम दे देंगे 95,000 में दे देंगे और नॉन बीटी नॉन एक्टिव बता रहा हूँ मैं आपको, सिम टाइम यूज़ नहीं बता रहा। ठीक है और मॉडल की तरफ आ जाते हैं वन प्लस नाइन प्रो मोस्ट डिमांडेड मॉडल 888 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ है। एज डिस्प्ले हैज एबलेट लगा हुआ है, 120Hz का इसका डिस्प्ले आ गया, 10x10 इसकी कंडीशन है। यानी कम रेंज में एक अच्छा फ़ोन है। बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली। इसमें क्वांटिटी आपको मिल जाएगी, मेरे पास कलर तीनों अवेलेबल है, ब्लैक, ग्रीन, सिल्वर, और ये 888 स्नैपड्रैगन के व्यूअर्स को दे देंगे। एंड्रॉइड 14 अप्रूव होगा, एंड्रॉइड 14 अप्रूव करके हम व्यूअर्स को देंगे 90,000 ओनली, 90,000 रुपये के अंदर। ठीक है जी, आगे बढ़ाते हैं। वन प्लस का 9R मिल जाएगा, 9R अपने पास 12GB 256GB, 8GB 256GB और जो है 8GB 128GB, तीनों के प्राइस बताते चलता हूँ। 9R 8GB 128GB व्यूअर्स को मिलेगा 55,000 का, 8GB 256GB मिलेगा 58,000 का, और 12/256 62,000 का। 9 की तरफ आ जाते हैं, 9 की कंडीशन दिखाते हैं हम क्लाइंट को अपने। 10x10 कंडीशन है, बिल्कुल पन्नी पैक माल है। ग्लोबल डुअल है सर, ये ग्लोबल डुअल है। वन प्लस 9 12GB 256GB ग्लोबल डुअल, एंड्रॉयड 13 अप्रूव, एंड्रॉयड 14 तक भी जाएगा। ठीक है जी, व्यूअर्स को हम दे देंगे 9 10x10 कंडीशन 68,000 ओनली, 100% ओरिजिनल 10x10 कंडीशन। ठीक है जी, वन प्लस 8 पड़ा हुआ है मेरे पास, एक या दो पीसी रह गए, एक ये रह गया, एक ग्रीन रह गया, 10x10 कंडीशन है, चेक कर सकते हैं आप। ग्लोबल डुअल है, कन्वर्टेड नहीं है, ऑफिशियली डुअल सिम है, 8GB 128GB ऑफिशियली डुअल सिम, 62,000 ओनली। ओके, वन प्लस 80 मिल जाएगा ग्लोबल डुअल 12GB 256GB के साथ, 60,000 ओनली, 60,000 रुपये का ओरिजिनल पीस, 10x10 कंडीशन। इसी तरह वन प्लस में हमारे पास एक ये पीस पड़ा हुआ है, नॉट सी ई 5G, ये है 12GB 256GB ग्लोबल डुअल VIP अप्रूव में। अप्रूव सारे माल है, जो नॉन पीटी था वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा सारा माल अप्रूव्ड है। नॉट सी 5G है, 12GB 256GB 50,000 रुपये में दे देंगे सर। 50,000 में अप्रूव, 12GB 256GB ग्लोबल डुअल अप्रूव 50,000 रुपये में। वन प्लस का 6 एक पीस में आखिरी बचा है, 8GB 128GB ग्लोबल डुअल 10x10 कंडीशन का, एक ही पीस है, 28,000 में दे दूंगा, 28,000 रुपये के अंदर। और बोले सर, वन प्लस का 70 आ गया, 8GB 128GB डुअल सिम भी आपको मिल जाएगा, 70 फ्रेश पीस, 40,000 में दे देंगे, 40,000 रुपये में। वन प्लस का 7 आ गया, 8GB 256GB ग्लोबल डुअल, ग्लोबल डुअल का मतलब ये कि कन्वर्टेड नहीं है, ऑफिशियली डुअल सिम है। ठीक है जी, ये हम दे देंगे व्यूअर्स को 42,000 में। सर इसके अलावा ये आ जाता है अपने पास वन प्लस का जो है अपना N20 N25G। अच्छा जी, कैमरा सुना है बहुत अच्छा है, कैमरा इसका बहुत क्लासी है, और दूसरा जो है इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और AMOLED डिस्प्ले। बिल्कुल ऐसे ही, मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले तो कंडीशन दिखा दें व्यूअर्स को आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि N20 SE और N20 में क्या फ़र्क है। बिल्कुल ऐसे ही, मैं आपको N20 SE को तो ये है कि वो तो सर आपको पता है, वो बिल्कुल ही रिफर्बिश का माल आ रहा है, और इसमें जो है 695 स्नैपड्रैगन आ गया, AMOLED डिस्प्ले आ गया, इसका कैमरा आ गया, और इसमें जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आ गया। एक्चुअली फ़ोन अपडेट बिल्कुल नहीं है मेरे पास, नहीं मैंने अपडेट नहीं किया भाई, माल है इसके कैमरे का रिजल्ट है, देख रहे हैं और ठीक ठाक जूम इन है उसका। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है जी। अच्छा, व्यूअर्स को हम दे देंगे अपना जो है सर अनलॉक है और नॉन एक्टिव है, 2 महीने इसमें सिम चलेगी, आप गेमिंग के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आ गया, AMOLED डिस्प्ले आ गया, 695 स्नैपड्रैगन आ गया, अनलॉक पीस है, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो फिर तो आपको लाइफ टाइम चलने वाली बात है वो वाली, अगर आप यहाँ यूज़ करते हो तो गेमिंग के हिसाब से और नॉन एक्टिव फोन है तो 2 महीने सिम चलेगी। व्यूअर्स को 22,500 में दे देंगे, चले और बोले। वन प्लस के N100 आ गए, 4GB 64GB 5000mAh बैटरी के साथ है, ये हम व्यूअर्स को दे देंगे अपना 18,000 रुपये में। ओके, N10 बड़े में मेरे पास, N10 डुअल सिम में, डबल सिम है, बिल्कुल डबल सिम में N10 बड़े में, 6GB 128GB डुअल सिम 30,000 रुपये ओनली, 30,000 में N10 दे देंगे। ओके, वन प्लस का 8 प्रो आ गया, 10x10 कंडीशन है, लास्ट पीस में अवेलेबल है, 8GB रैम है, 128GB रोम है, ग्लोबल डुअल सिम है। वन प्लस 8 प्रो व्यूअर्स को 68,000 में दे देंगे सर। ठीक है, ठीक है जी। वन, अच्छा ये देखिएगा अपना सिर्फ ये हल्का सा क्रैक देख लें, 10 प्रो पांडा वाइट, बिल्कुल 10 प्रो पांडा वाइट है, खाली क्रैक, बिल्कुल माइनर सा क्रैक है, पूरा कोई क्रैक नहीं है। ठीक है, बाकी 10x10 कंडीशन है, 12GB रैम है, 512GB रोम। अच्छा हम आदमी ये बताएं कि फ्रंट से बिल्कुल फ्रेश है, 100% फ्रेश है ना सर, मैं अभी फोन ऑन नहीं, लेकिन आप मैं भी दिखा रहा हूँ, आपको स्क्रैच वगैरह कोई नहीं, सही है, बिल्कुल 10x10। ठीक है, ठीक है, ये सिर्फ ये जो नहीं, ये माइनर से क्रैक है, बाकी आप पूरी हड्डी देख लें इसकी। ओके, ये स्टिकर लगे हुए, बिल्कुल कोई डेंट नहीं है, कुछ नहीं है, 12GB 512GB है, CPID अप्रूव्ड है,
जस्ट माइनर से बैक कवर है, वो भी मैं इस वजह से नहीं चेंज करवा रहा कि वो वाटर पैक जो है वो खुल जाएगा। तो ये हम व्यूअर्स को दे देंगे 1,30,000 रुपये के अंदर। सी पी आई डी अप्रूव्ड 12GB 512 में, जब 12/2 से 15 वाले रेट में हम 12/512 दे देंगे पांडा एडिशन। ठीक है ठीक है, ये देख लें आप एलसीडी वगैरह भी बिल्कुल फ्रेश है सर। हाँ बिल्कुल फ्रेश, वाइट स्क्रीन है ये लीजिए साइड। ठीक है चले जी आगे बढ़ते हैं। पर वन प्लस का 3T पड़े हैं भाई, कम रेंज वाले वन प्लस 3T सबसे पहले वीडियो में डाले थे। बिल्कुल बिल्कुल 6GB 64GB डुअल सिम 14,000 रुपये। और बोले अच्छा ये भी डबल सिम है? डबल सिम है लेकिन रिफर्बिश्ड है, लेकिन रिफर्बिश्ड जो है वो बाहर से हुए हैं। तो 6GB 64GB है, ये आपको 14,000 में पड़ेंगे। ठीक है जी आगे की तरफ चलते हैं। गूगल पिक्सल 4a 5G या चेक कर। ठीक है गूगल पिक्सल 4a 5G 6GB रैम है, 128GB रोम है, और इसमें व्यूअर्स को मिल जाते हैं सिंगल प्लस ई सिम, सिंगल प्लस फिजिकल सिम, ऑफिशियल पीटी अप्रूव हम व्यूअर्स को दे देंगे 44,000 में ऑफिशियल अप्रूव करके। 10x10 कंडीशन माल है, ओरिजिनल है। फिजिकल सिम ऑफिशियल पीटी अप्रूव कर 4a 5G 6GB 128GB 785 इसके स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, पी ओ एल ई डी इसमें लगी हुई है, 3885 mAh इसकी बैटरी है। व्यूअर्स को हम कितने में दे देंगे सर? 44,000 में फिजिकल ऑफिशियल अप्रूव, VIP अप्रूव में आप लेते हो 40,000 में दे देंगे 40,000 रुपये के अंदर। ठीक है ठीक है जी, ये P20 लाइट आ गया, 4GB 128GB डुअल सिम। ठीक है ठीक है, एक या दो पीस पड़े हुए, 10x10 कंडीशन है, 4GB 128GB डुअल सिम व्यूअर्स को दे देंगे 16,000 रुपये के अंदर। ओके अब मैं आपको मिनिमम की तरफ ले जा रहा हूँ, जो होम यूज़ के हिसाब से 5,000 mAh बैटरी है, 4x128 डुअल सिम 4/64। ठीक है और ओरिजिनल है, मोटोरोला का G55G 4GB 128GB डुअल सिम, ये व्यूअर्स को दे देंगे हम 23,000 रुपये में। ओके मोटोरोला का G8 आ गया, 665 इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 4GB रैम है, 64GB रोम है, डुअल सिम है विद 5,000 mAh बैटरी के साथ है। व्यूअर्स को हम दे देंगे अपना 20,000 रुपये का। ओके मोटोरोला का H20 लाइट आ गया, 6GB रैम है, 128GB रोम है, सिंगल सिम है, OLED इसमें डिस्प्ले लगा हुआ है, अच्छा IPS के बाद AMOLED या AMOLED के बाद OLED डिस्प्ले है, OLED डिस्प्ले Dimensity 720 इसका प्रोसेसर लगा हुआ है, ये व्यूअर्स को दे देंगे 35,000 में। मोटोरोला का G10 आ गया, 4GB रैम है, 64GB रोम है, डुअल सिम है, 5,000 mAh इसकी बैटरी है, 5,000 इस वजह से बता रहा हूँ कि होम यूज़ के हिसाब से चाहिए लकड़ा पर तरह से बस यूज़ करते रहो, ये व्यूअर्स को हमने देंगे 19,000 रुपये का। अच्छा जी मोटोरोला का आगे G पावर 2022 4GB 64GB सिंगल सिम है, व्यूअर्स को दे देंगे 10x10 कंडीशन के साथ 19,000 रुपये में विद 5,000 mAh बैटरी। मोटोरोला में जितने भी फोन दिखा रहा हूँ 5,000 mAh बैटरी से कोई भी कम नहीं है। ठीक है तो एक मॉडल है इमरान भाई वो भी दिखाऊंगा, वो एंटिक मॉडल है, उसकी बैटरी 6,000 mAh शायद वो पहले दिखा चुका हूँ। अच्छा G42 की तरफ आ गए अपन, AMOLED डिस्प्ले, सॉरी ये AMOLED डिस्प्ले के साथ है, 10x10 कंडीशन है, इसमें हमारे पास कलर्स भी अवेलेबल है, इसमें एक ये कलर है एक ये कलर है, कलर देख लें 10x10 कंडीशन है, पन्निया तक चढ़ी हुई है, AMOLED डिस्प्ले आ गया, 680 इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, 50MP इसका कैमरा है, 4GB 128GB डुअल सिम, 6GB 128GB डुअल सिम दोनों वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 6GB 128GB डुअल सिम जो हम व्यूअर्स को 35,000 का दे देंगे, 4 128 डुअल सिम जो हम 32,500 का दे देंगे, 10x10 कंडीशन का माल बता रहा हूँ मैं आपसे। ओके सर वही हमारे पास सदाबहार मॉडल मोटोरोला का G5G 2023, अब तो फीचर स्पेसिफिकेशन याद हो गई होगी, ये मेरे पास क्वांटिटी रहती है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मिड रेंज में अच्छा फोन है, जो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 5000 mAh बैटरी, डिस्प्ले भी एंड्रॉइड 13 हो गया आपका, स्नैपड्रैगन 485G प्रोसेसर लगा हुआ है, डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर लगे हुए हैं, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, और 10x10 कंडीशन है, खुला हुआ नहीं है, और 2023 का मॉडल है, आप प्लीज़ देख लें। ठीक है जी ये हम व्यूवर्स को दे देंगे अपने सर 26,000 रुपये, 26,000 सही है। अच्छा जी मैं ये मॉडल बता रहा था मैंने भी, मोटोरोला का G60 इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, 108MP कैमरा है, 6,000 mAh इसकी बैटरी है, 120Hz का इसका डिस्प्ले है सर, 732 इसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है, और 6GB रैम मिल जाएगी, 128 विद डुअल सिम, यानी बहुत बेहतरीन फीचर्स दे रहा है, बिल्कुल कम रेंज में बिल्कुल, और बैटरी भी आपकी अच्छी आ गई, प्रोसेसर भी आ गया, कैमरा भी आ गया, डिस्प्ले भी आ गया, ये हम व्यूअर्स को दे देंगे अपने सर 35,000 में दे देंगे। चले और रेट कम कर दिए। मोटोरोला G41 AMOLED डिस्प्ले के साथ है, हीलियो G85 गेमिंग प्रोसेसर लगा हुआ है, 4GB 128GB AMOLED डिस्प्ले डुअल सिम, ये व्यूअर्स को हमने देंगे 28,000 रुपये का, सिंगल सिम ले तो सिंगल सिम मैं आपको दे दूंगा 26,000 रुपये का। मोटोरोला G9 प्ले 662 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आ गया, 4GB 64GB डुअल सिम विद 5,000 mAh बैटरी, ये हम व्यूअर्स को दे देंगे अपना 18,000 से 20,000 रुपये की रेंज में। ठीक है और बोले सर बाकी दुकानदारों के लिए प्राइस अलग हैं, होलसेल में भी हैं बिल्कुल, मैं माल ज़्यादा नहीं लगा सका कि जगह नहीं थी, मैं आपको आखिरी एक ही पीस पढ़ा हुआ है, रियलमी का 12 प्रो प्लस, बड़ा खूबसूरत कलर है बिल्कुल सर, 2024 का मॉडल है, 7S Gen 2 इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है,
इसका डिस्प्ले भी दिखाएं हमारे भाई। यार अब ये लीजिए डिस्प्ले आ गया सर, ये इसका डिस्प्ले का क्लास आ गया। इसका कैमरा देखें सर, डिस्प्ले छोड़े 120x जूम है, 120x जूम है सर। कैमरा चेक करें, रियलमी में अच्छे फ़ोन आ रहे हैं। 2024 का मॉडल है, ऑफिशियली लॉन्च भी नहीं सर पाकिस्तान में दे रहे हम, और बोले इसका कैमरा है ये, ये लीजिए कितना जूम हो गया ये, ठीक है। अभी देखो कितना जूम करा था हमने, ये कहाँ चले गए अब, एक पिक्सल नहीं पड़ रहा ना, एक पिक्सल नहीं पड़ रहा बिल्कुल। बहुत जबरदस्त कैमरा, बॉक्स पैक वाला है, विद चार्जर आ गया इसका ओरिजिनल, विद बॉक्स आ गया ओरिजिनल, CPID अप्रूव मिल जाता है, ऑफिशियली लॉन्च नहीं है हमारा, प्रोसेसर भी MediaTek नहीं है, 7S जनरेशन है, 7S Gen 2 प्रोसेसर लगा हुआ है सर, ठीक है जी। ये व्यूअर्स को दे देंगे हम 1,15,000 में, चले भाई एक पीस 1,25 से कम नहीं बेचा, आखिरी पीस है डब्बे के साथ, डब्बा विद ओरिजिनल चार्जर, CPID अप्रूव, 7S Gen 2 प्रोसेसर, 120x जूम इसका कैमरा है, ये हम व्यूअर्स को 1,15,000 में दे देंगे सर। और में अच्छा टैबलेट की वैरायटी आई हुई है, टैबलेट में आपको बताता चलूँ, सिम वाला बताया था आपने, सिम वाला बिल्कुल 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 मेरे पास सिम वाला आया हुआ है, टैबलेट आ गया अपने पास, लेनोवो का टैब है M10 प्लस, ये मैं दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं M10 प्लस की नॉलेज सबको होगी। M10 प्लस है, थर्ड जनरेशन है इसका, 680 में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर लगा हुआ है, ब्राउजिंग आपको इसके अलावा मीडिया ऑफिस यूज़ के हिसाब से बहुत अच्छा टैबलेट है, बच्चों के हिसाब से खेल, डॉल्बी एटमॉस के स्पीकर लगे हुए मेरे पास, कंटेंट में अवेलेबल है, और सबसे मेरी बात कॉलिंग वाले हैं मेरे पास, कॉलिंग वाले हम व्यूअर्स को दे देंगे अपने जो है 40,000 में, 38,000 में दे देंगे, 38,000 में कॉलिंग आ गई, 680 स्नैपड्रैगन आ गया, ठीक है, और अपना जो है 4GB 128GB आ गया, ठीक है जी। थर्ड जनरेशन का टैबलेट है, और इसके अलावा क्वांटिटी में अवेलेबल है, जिसको क्वांटिटी क्वालिटी टैबलेट के हिसाब से किसी भी हिसाब से, तो हम जो है व्यूवर्स को अच्छे प्राइस में देते थे। हमारे भाई पेमेंट का तरीका कर बताओ, पेमेंट मेथड जो है सर कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, और पेमेंट एडवांस में ये है कि कैश ऑन डिलीवरी में जो है वो डिलीवरी टाइम 3 to 4 days लग जाते मिनिमम, एडवांस में ये होता है कि आपको एक दिन में जो है वो डिलीवरी मिल जाती है, बट मैं दोनों चीज़ें मेरे पास अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी में ये कि 1,000 रुपये जो है वो डिलीवरी चार्जेज हैं, और इसके अलावा 5,000 आप सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देंगे तो मैं कैश ऑन डिलीवरी आपके एड्रेस पर करा दूंगा। शॉप एड्रेस, मोबाइल नंबर, शॉप एड्रेस जो है शॉप नंबर हमारे जो F95 है, फर्स्ट फ्लोर है, अम्मा टावर है, मेन एम ए जिना रोड पे कराची, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ 0331221140। बहुत शुक्रिया।